बिहार दैनिक समाचार सुपर फास्ट में आपका स्वागत है। समाचार सुपर फास्ट में देखेंगे बिहार व देश विदेश की 20 बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले कोरोना अपडेट। पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 7,72,00,000 को पार कर गया है, जबकि 17,00,000 लोगों की मौत हो गई है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 24,337 नए मामले मिले हैं, जबकि 333 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 803 नए मामले मिले हैं, जबकि 27 मरीजों की मौत हो गई है। अब देश विदेश की बड़ी खबरें। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इस सप्ताह खुद को कोरोना वैक्सीन लगवाएंगे। कोरोना वायरस के डर से कई यूरोपीय संघ के देशों ने ब्रिटेन की उड़ानों पर रोक लगा दी है। कोरोना के नए स्ट्रेन के खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने भी ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट्स पर रोक लगा दी है। मौसम में खराबी के कारण नेपाल में जनकपुर जाने वाली विमान पोखरा हवाई अड्डे पर पहुंच गई। यह स्थान गंतव्य से 255 किलोमीटर दूर है। भारत के खिलाफ आतंकी हमले की फिराक में लगे पाकिस्तान की साजिश बेनकाब हुई है। सुरक्षा बलों ने गुरदासपुर में 11 हैंड ग्रेनेड जब्त किए हैं। जम्मू कश्मीर में रिक्टर पैमाने पर 3.7 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली में 93 वर्षीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा का निधन हो गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आज वियतनाम के प्रधानमंत्री के साथ बैठक किया। अनंतनाग में पीडीपी नेता सरताज मदनी और पीरजादा मंसूर हुसैन को केंद्रीय एजेंसियों ने गिरफ्तार किया है। बंगाल में पत्नी सुजाता के टीएमसी में शामिल होने से नाराज बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने अपनी पत्नी सुजाता को तलाक देने की धमकी दी है। तूतुकुड़ी एंटी स्टारलाइट पुलिस फायरिंग केस में जांच आयोग ने सुपर स्टार रजनीकांत को समन भेजा है। दिल्ली में कृषि कानूनों के समर्थन में कालकाजी इलाके में बीजेपी सांसद रमेश बिधोड़ी ने पद यात्रा निकाली है। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर को किसी ने 112 पर कॉल करके जान से मारने की धमकी दी है। एनसीबी दफ्तर पहुंचे अर्जुन रामपाल से बॉलीवुड ड्रग कनेक्शन में एनसीबी ने पूछताछ की है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने ट्वीट किया है कि बंगाल चुनाव में बीजेपी अगर दहाई का आंकड़ा पार कर जाती है तो ट्विटर छोड़ दूंगा। पीएम मोदी 21 दिसंबर को सुबह के 9:30 भारत जापान संवाद सम्मेलन को संबोधित करेंगे। अब बिहार की कुछ बड़ी खबरें। बिहार में बीते 24 घंटे में कोरोना के 524 नए मामले मिले हैं, जबकि 5 लोगों की मौत हो गई है। पश्चिम चंपारण बगहा के वीटीआर जंगल से सटे धनहिया रेता क्षेत्र में घायल अवस्था में एक गैंडा मिला है। सीमावर्ती नेपाल से विगत बाढ़ में बहकर आया यह गैंडा वीटीआर में विचरण कर रहा था। उसके गर्दन पर जख्म के निशान पाए गए हैं। प्राथमिक शिक्षक नियोजन के लिए काउंसिलिंग की तिथि 16 जनवरी के बाद की रखी जाएगी, लेकिन 16 जनवरी के पहले नियोजन की तिथि की घोषणा कर दी जाएगी। बेतिया के नरकटियागंज में एक टैंकर ने बाइक सवार 3 लोगों को कुचल दिया, जिसमें 3 की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। घटना नरकटियागंज रेलवे स्टेशन अस्पताल के पास की है। नवादा में दिसंबर माह के शुरुआत में बैंड बाजा देखने गई 8 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने वाले कुकर्मी को गिरफ्तार करने में नाकाम रही पुलिस के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन कर सड़क जाम कर दिया तथा जमकर नारेबाजी की। भागलपुर जिले के इसाक चक थाना अंतर्गत शांति पेट्रोल पंप पर देर शाम बदमाशों द्वारा देसी बम फेंका गया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। हालांकि कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। नवादा जिले के जदयू नगर अध्यक्ष व नगर परिषद के चेयरमैन पति रवि शास्त्री पर गुंडों ने जानलेवा हमला किया है।
वार्ड पार्षदों ने बैठक कर हमलावरों को गिरफ्तारी की मांग की है। कटिहार के आजमनगर थाना क्षेत्र के खुड़ियाल में 10 दिन पूर्व सीएसपी संचालक से 1.5 लाख की लूट के मास्टरमाइंड को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तेलंगाना पुलिस ने लाखों की धोखाधड़ी के एक मामले में वांछित 3 साइबर अपराधी संतोष कुमार, उदय कुमार तथा अभिषेक कुमार को बिहार के नवादा जिले के जलालपुर गांव से गिरफ्तार कर लिया है। सुपौल के बलुआ बाजार थाना अंतर्गत शिवराम बिशनपुर पंचायत में जमीन विवाद में एक व्यक्ति तारानंद मिश्र की हत्या कर दी गई है। भागलपुर के जाने माने समाजसेवी राजीव बनर्जी की अररिया में एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। वह भागलपुर से फारबिसगंज जा रहे थे। बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिली हार के बाद आयोजित राजद की समीक्षा बैठक में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बड़ी भविष्यवाणी करते हुए कहा है कि बिहार में 2021 में भी चुनाव हो सकते हैं। पश्चिम चंपारण मानपुर थाना क्षेत्र के लौकर गांव में बकरी चराने से मना करने पर गुस्से में आकर ब्रिजेश शाह की पुत्री प्रीति कुमारी ने गले में फंदा डालकर आत्महत्या कर ली है। वर्ष 2020 में जनवरी से लेकर अब तक में कुल 26,91,731 लीटर शराब बरामद की गई है। यह आंकड़ा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, बिहार पुलिस की मद्य निषेध टीम और सभी जिलों की पुलिस के तरफ से किए गए कार्रवाई का है। 39,367 रुपया कैश, 6,316 टू व्हीलर्स, 3,203 थ्री व्हीलर्स को जब्त किया गया है। साथ ही इस गोरख धंधे में शामिल 48,187 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नालंदा के एकंगड़ सराय में बेटा नहीं होने से नाराज एक पति ने जहां अपनी ही पत्नी की जान ले ली, वहीं रहुई में दहेज के लालच में ससुराल वालों ने बहू को मौत के घाट उतार दिया। इधर इस्लामपुर में 2 अलग अलग सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। नवादा में खेत सींचने के लिए चल रही बहस गोलीबारी में बदल गई। इस घटना में एक युवक को सीने में 3 गोली लगी, जिससे उसकी मौत मौके पर ही हो गई। जमुई सिकंदरा थाना क्षेत्र के लोहंडा गांव में प्राइमरी स्कूल टीचर मकेशर यादव की अपराधियों ने गला रेत कर हत्या कर दी। घटना से गुस्साए लोगों ने सड़क पर टायर जलाकर आगजनी की। मौके पर पहुंची पुलिस के साथ झड़प में पुलिस का सिर टूट गया। पुलिस ने भी फायरिंग की है। बेगूसराय के चिड़िया बरियारपुर थाना क्षेत्र के खंजापुर में एक वृद्ध 65 वर्षीय शिव कुमार महतो को पीट पीट कर मार डाला गया। बुजुर्ग अपने बेटे की शादी होते देखना चाहता था, लेकिन ऐन मटकोर के दिन ही भोज में पाटीदारों ने पुरानी रंजिश का बदला ले लिया। नालंदा जिले के बिहार शरीफ में एक मस्जिद के भीतर एक 75 वर्षीय व्यक्ति मोती उर रहमान ने धारदार चाकू से गला रेत कर खुद को मार डाला है। आरा शहर के टाउन थाना इलाके में पिछले साल नाबालिग के साथ हुई रेप के मामले में कोर्ट ने आरोपित मनीष कुमार को 10 साल की कैद व 30,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। पटना गया मुख्य मार्ग SH1 स्थित धनरुआ थाना के सांडा व किस्तीपुर गांव के पास एक 28 वर्षीय विक्षिप्त युवती की गला दबाकर हत्या कर दी गई। अर्धनग्न अवस्था में बरामद शव के कारण सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है, जबकि पुलिस दुष्कर्म से इनकार कर रही है। तो इसी के साथ बिहार दैनिक समाचार सुपरफास्ट का यह अंक यहीं पर समाप्त होता है। bihardainik.com पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। YouTube के अलावे आप हमारी खबरों को Twitter, Facebook और Instagram पर भी पढ़ सकते हैं। कल मिलेंगे बिहार दैनिक समाचार सुपरफास्ट में। तब तक के लिए प्रीतम कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।